हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जिसका नाम है सोट एनालिसिस। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको आप खुद कर सकते हो, इसमें आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए। आप बस एक बार इसको समझ लो, फिर आप चाहे अभी स्टूडेंट हो या फिर आप बिजनेस करो या फिर आप कोई कंपनी खोलो या जॉब करो, डू व्हाटएवर यू वांट, आपको हर फील्ड में, हर जगह पर, लाइफ के हर मोड में ये टेक्निक काम आने वाली है। और साथ के साथ में कुछ मैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाला हूँ, स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, स्टूडेंट पर बहुत ही ज़्यादा मैं चर्चा करने वाला हूँ। एग्जाम्स के बारे में चर्चा करेंगे आज हम, बहुत सारी चीज़ें आज मैं स्टूडेंट से संबंधित ही चर्चा करूँगा और ज़्यादा मतलब स्टडी रिलेटेड चीज़ें नहीं रहेंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर यू विल गेट फील मोटिवेटेड और आप मतलब एक अच्छे टारगेट की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें इसी टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट को क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा, बिल्कुल ओपनली डिस्कस करूँगा क्या क्या हमारे सामने समस्याएँ, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया सोट एनालिसिस, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे अब ये अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकती है, कैसे हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है, कैसे हम कमज़ोर से एक इंटेलिजेंट बच्चे बन सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, कैसे हम टॉपर बन सकते हैं, कैसे हम बेस्ट रिजल्ट्स ले सकते हैं, कैसी हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सोट एनालिसिस। पहली बात तो मैं इसको सोट की फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। सोट की फुल फॉर्म है, इसमें चार शब्द हैं, चार वर्ड हैं, SWOT। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब होता है थ्रेट। और मैंने इसको पर्सनली दे दिया नाम सोटा, कि भैया सोटा लगाओ अपने आप में। ठीक है, आपको यहाँ पे टीचर सोटा लगाने नहीं आने वाला है, आपको खुद ही अपने आप में सोटा लगाना है। सोटा तो आप जानते होंगे, सोटा मतलब डंडा, छड़ी, स्टिक, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में सोटा बोलते हैं। तो ये सोटा लगाना है आपको बीच बीच में, जब भी आपको लगे कि यार आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, बीच बीच में जब भी लगे कि यार मेरी परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही है, जब भी आप मतलब कुछ भी प्रॉब्लम फील करें तो आप एक बार इसको ज़रूर देखें, इसको ज़रूर इसको अपनाएं, सोटा मेथड को, सोट एनालिसिस ज़रूर करें। हालांकि ये जो सोट एनालिसिस है इसको एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी फैक्ट्री जो होती हैं वो करते हैं, बट मैंने इसको स्टूडेंट के लेवल से डेवलप किया, स्टूडेंट की लाइफ में कैसे इसको हम लागू कर सकते हैं उसके लिए इसको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर कंपनी, आप भी एक प्रकार का अपना ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में। ठीक है, आपको भी परफॉर्मेंस देनी है, आपको भी अपना रिजल्ट अचीव करना है, आपको भी बेस्ट बनना है, तो यू आर ऑल्सो लाइक ए कंपनी, आपकी लाइफ भी। तो सोटा एनालिसिस में चार शब्द आपको पता चल गए होंगे, सोट में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये एक्चुअली क्या है, ये तो एक प्रकार का एनालिसिस हो गया। ये एनालिसिस हम किसका कर रहे हैं, फिलहाल वी आर गोइंग टू एनालाइज, अपने आप को हम एनालाइज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू एनालाइज अवर सेल्फ ओनली। हम अपने आप को एनालाइज करेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है, हमारे लिए थ्रेट्स कौन कौन सी हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये एक प्रकार की टेक्निक है जिससे हम किस किस चीज़ को असेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में पता लगा सकते हैं, कॉम्पिटिशन से पता संबंधित चीज़ें पता लगा सकते हैं, और सॉरी ठीक है, और पोटेंशियल ऑफ बिजनेस, हालांकि इसका बिजनेस से संबंधित बिजनेस को ग्रो, मैं जैसा कि बताया था मैंने, ये थोड़ा हायर लेवल की टेक्निक है, इसको बिजनेस में ज़्यादा यूज करते हैं, मगर फिलहाल मैं आपको स्टूडेंट के पर्पज से बताऊंगा कि कैसे स्टूडेंट लाइफ में इसको सोट एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस से संबंधित कोई भी बिजनेस में इम्प्रूव परफॉर्मेंस लाना है, कॉम्पिटिशन, रिस्क, पोटेंशियल, क्या क्या संभावनाएं, इन बिजनेस से संबंधित, इंडस्ट्री से संबंधित, कोई भी आपके पर्सनल कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उससे संबंधित, इन सारी चीज़ों का असेसमेंट करने के लिए हम करते हैं सोट एनालिसिस। और इससे हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं, क्या इम्प्रूव करते हैं, परफॉर्मेंस। और ये पावरफुल टेक्निक है जैसा कि मैंने बताया था, अभी हमने इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया, जस्ट एक ओवरव्यू लिया है कि सोटा है क्या। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं किसी व्यक्ति की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी संगठन की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और उसके लिए थ्रेट्स क्या है। सो इसको एक बार हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप नंबर वन बनने वाले हो, कैसे मतलब आप अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो, तो इससे हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, हर व्यक्ति के अंदर
हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर जगह पर आपको उसकी कुछ खूबियाँ मिलेंगी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, आपके अंदर भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी। किसी दूसरे व्यक्ति को देखो, उसके अंदर भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। तो हमारे अंदर हर किसी के अंदर एक ताकत होती है, एक शक्ति होती है, एक एनर्जी होती है। वो एनर्जी आपको क्या करने वाली है, आपको रॉक स्टार बनाने वाली है, आपको बहुत ही बड़ा मतलब पावरफुल व्यक्ति बनाने वाली है। तो पहली चीज़, हमारे अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। दूसरा, हर व्यक्ति के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली कुछ ना कुछ तो आपको वीकनेस मिलेगी, कुछ ना कुछ तो कमजोरी मिलेगी, और वही कमजोरियों की वजह से हम क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी पावर कम हो जाती है। ध्यान रखना है, अगर लाइफ में हमने अपनी कमजोरियों को धीरे 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 करके एक एक करके अपनी लाइफ से निकालते गए, तो यू विल बिकम द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स, समझ रहे हो। तो अगर हमने अपने अंदर से कमजोरियां निकालना स्टार्ट कर दिया, हमारी गलतियों को दूर करना स्टार्ट कर दिया, हमारी वीकनेस को एक एक करके हटाना स्टार्ट कर दिया, देखना आप पावरफुल बन जाओगे। आप देखना हर व्यक्ति की लाइफ में, अपनी लाइफ में बहुत सारी वीकनेस होती हैं, और वही वीकनेस की वजह से हम पीछे रह जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं। सोचो, अगर एक एक करके हमने वीकनेस पर अगर काम करना स्टार्ट कर दिया, और जब आपके अंदर कोई वीकनेस नहीं रहेगी, तो देखना फिर रिजल्ट्स कैसे बेटर नहीं आएगा। दैट इज माई, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपनी अपनी वीकनेस पर एक एक करके काम करना स्टार्ट करो। पहले पहचानो, सबसे पहले यही तो चीज़ है, एनालाइज करो। एनालाइज मतलब आपको विश्लेषण करना है, आपको पता लगाना है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट यू हैव पॉजिटिव थिंग्स, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेड, ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी है, ठीक है। अब एक एक करके हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेंथ, जिसको हम बोलते हैं शक्ति या ताकत। मैंने बताया था, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ ताकत होती है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एक शक्ति होती है, जिसके आधार पर वो बहुत आगे जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। ही कैन डू एनीथिंग, समझ रहे हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो एक उसके पीछे क्या होती है, ताकत। सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ बोलूं कि अपने आप में एक ब्रश विश्वास कर लो, अपने आप में आप विश्वास कर लो, यस आई कैन डू इट, ये भी क्या है, अपने आप में ताकत है। तो बहुत सारे लोग तो मेंटली कमज़ोर रहते हैं, कभी सोचते ही नहीं है कुछ भी, कभी बड़े सपने ही नहीं देखते, हमेशा जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आई तो पीछे हट जाते हैं। भाई समस्या आने दो, भाई समस्या का समाधान है, निकालो, समस्याओं से लड़ोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, नई चीज़ें सीखोगे, फ्यूचर में ऐसी सेम समस्या आएंगी तो उनको आप दूर करोगे। तो डरना नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ तो डरना नहीं है, ये भी अपने आप में ताकत है। तो पहली चीज़ है सोट एनालिसिस की, एस, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, इंटरनल पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं, हमारी कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव विशेषताएं होती है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ तो मिलेगी, हर व्यक्ति के पास पॉजिटिव चीज़ मिलेगी। आप देखो, अगर बैंक में जाओ तो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं पूरे दिन बैठे रहते हैं भाई साहब, ठीक है। आपने देखा कभी, सात सात घंटे लगातार बैठे रहते हैं, थोड़ा सा ही अगर बीच में खाना वाना छोड़ दें, उनका लंच वंच का टाइम छोड़ दें, थोड़ा चाय वाय का छोड़ दें, लगातार बैठे रहते हैं। अब इस चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं, स्टूडेंट क्या सीख सकता है, स्टूडेंट ये चीज़ सीख सकता है कि स्टूडेंट अपनी लाइफ में देखो, हम पढ़ता कितना है स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है। जैसे ही आपने देखा होगा, 5 मिनट पढ़े, 5 मिनट के बाद छोड़ देते हैं पढ़ना, कौन पढ़ता है। 10 मिनट पढ़े, 10 मिनट के बाद छोड़ देते हैं, 15 मिनट पढ़े या 1 घंटे पढ़े। भैया अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या, आपकी सिटिंग पावर। मैं बता रहा हूँ आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, सबसे बड़ी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए सिटिंग पावर। एक बार अगर आप बैठ के पढ़ने के लिए, देन आपको उठना नहीं है वहाँ से कम दो ढाई घंटे पहले तो उठना ही नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। कहाँ से आपके नंबर आएंगे बताओ, कहाँ से आपकी मतलब परसेंटेज ग्रो करेगी, कहाँ से आप सब्जेक्ट में अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी जब आप बैठोगे नहीं। सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट के सामने यही समस्या है कि भाई पढ़ते ही नहीं वो। अब बैठ जाओ, तुम दिखावा करते हो, दिखा किसको रहे हो भाई, लाइफ किसकी है, आप अपनी लाइफ बना रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको स्ट्रेंथ पहचानिए। जैसे स्ट्रेंथ बहुत सारी होती हैं, हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर, मतलब स्ट्रेंथ क्या होती है, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं बहुत अच्छे। कुछ लोगों के अंदर कुछ ऐसी बिहेवियर होता है, बहुत अच्छे काम करते हैं, ठीक है। गोल, एक अब स्ट्रेंथ देखते हैं, पहली चीज़ क्या है, गोल। स्ट्रेंथ में अब कुछ लोग क्या बिना गोल के काम करते हैं, कोई टारगेट नहीं है, कोई फिक्स के मुझे कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, कितनी परसेंटेज नहीं बनानी है। अब जब यार तुम्हारे पास कोई गोल ही नहीं है तो तुम क्या करोगे बताओ। मान लो आप मतलब कोई एक व्यक्ति रनिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो डेली जाता है रनिंग करके आ जाता है, कभी 1 किलोमीटर दौड़ लेता है, कभी 2 किलोमीटर। भाई अगर आपको मान लो पुलिस में लगना है, तो आपको मान लो सपोज 10 किलोमीटर की दौड़ करनी है, तो आपका यहाँ पे एक गोल सेट हो गया ना कि मुझे 10 किलोमीटर क्रॉस करना है किसी भी हालत में। मान लो जितना भी टाइम है, सपोज 15 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर भागना है,
तो आपने यहाँ पे गोल सेट किया कि नहीं किया? ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, अपना गोल सेट करना चाहिए कि भाई मुझे 95% लानी है अपनी, या मुझे मतलब राजस्थान टॉपर बनना है, या मुझे किसी स्कूल का टॉपर बनना है, या मुझे कॉलेज टॉपर बनना है, या मुझे अपने बिजनेस को नंबर वन बनाना है। गोल सेट करो। जब तक यार आपका कोई गोल ही नहीं है तो तुम क्या करोगे बताओ? कैसे आपके मतलब शरीर की इंटरनल एनर्जी आपके साथ देगी बताओ? अगर कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा गोल सेट करो। और क्या है भाई, दुनिया में बहुत सारे, आप एक बार जन्म लोगे बताओ इस दुनिया, बार बार तो जन्म लेने वाले नहीं हो। तो अगर कुछ करना है तो कुछ बड़ा करो ना, धमाका करो कुछ, बाकी छोटा मोटा तो सब कर ही रहे हो। तो आप भी कुछ बड़ा गोल सेट करो। यू हैव टू फाइंड आउट ए गोल। सबसे पहले आपको एक बड़ा गोल सेट करना पड़ेगा। और मैं जो कह रहा हूँ, सपने हमेशा बड़े देखो। अबे सपनों में गरीबी क्यों बढ़ते रहे हो भाई? कुछ लोग तो सपने ही नहीं देखते बताओ, इतने गरीब हैं, सपने देखेंगे बिल्कुल छोटा सा, भाई पास हो जाए बस। अबे तुम पास होने के लिए आए हो यहाँ पे? पास तो हर कोई हो जाता है। ऐसा सपना देखो जिसमें मजा आए, जिसको मैं कहूँ किक मिले उसमें है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गोल। तो ये स्ट्रेंथ है, अगर आपने गोल बड़ा सेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ है। वो क्या करेगा, आपको फिर एनर्जी देगा कि भाई देखो आपने गोल तो सेट कर रखा है, अब इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इंटरेस्ट, ये भी एक अपने आप में एक स्ट्रेंथ है हमारी, कि हमारा इंटरेस्ट। जैसे मान लो हमें मतलब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ नई नई किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मैथ बहुत अच्छी लगती है, ये इंटरेस्ट है। मगर ये भी ये अब जब मैं वीकनेस बताऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं होता हमारी, वो वीकनेस में आ जाएगी। जैसे मान लो हमें सपोज SST वीक लगती है। अबे वीक क्यों लगती है, मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी चीज़ वीक क्यों लगती है, वीक लगने का रीज़न ये है क्योंकि वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती। समझ रहे हो, कोई भी चीज़ वीक कब लगेगी, जब वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती तब वो चीज़ लगती है वीक। और जैसे ही आप उसको समझना स्टार्ट करोगे आपका इंटरेस्ट जग जाएगा उसमें। तो आप स्ट्रेंथ ठीक है, आपकी मैथ में इंटरेस्ट है, आपकी साइंस में इंटरेस्ट है, SST में नहीं है, संस्कृत में नहीं है, तो वो चीज़ क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि हम समझ नहीं रहे। और ध्यान रख करो, एक बार अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, देखो अगर आपको अच्छी परसेंटेज मिलानी है देन यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको बराबर दर्जा देना पड़ेगा, बराबर मतलब उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। और हर आपको अब क्या है, आपका टेस्ट वाला टाइम स्टार्ट हो गया है, स्कूल में बहुत सारे टेस्ट चल रहे होंगे, प्री बोर्ड टेस्ट हो रहे होंगे, तो उन टेस्ट में आप कोशिश करो 100% लाने की कोशिश करो, नंबर कटने नहीं चाहिए कहीं भी। ठीक है, आप कॉलेज में तो कॉलेज में भी आप कोशिश करो कि हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए कहीं भी। और नंबर कब नहीं कटेंगे, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे, जब आप पढ़ेंगे। और पढ़ना मतलब आपको एक कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी, रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ होगी, इंटरेस्ट भी क्या है, एक अपने आप स्ट्रेंथ है। ठीक है, मनी, आपके पास खूब सारा पैसा है, बहुत अच्छी बात है, मनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि कई सारे लोगों के पास बेचारों के पास पैसा ही नहीं होता, पैसा नहीं होता तो पैसे के बाद में बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाते। ठीक है, या मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इसलिए नहीं कर पाता, पैसा नहीं है उसके पास। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रेंथ है। और भी मैं बताता हूँ क्या क्या स्ट्रेंथ होती है हमारे पास। मोबाइल अपने आप में स्ट्रेंथ है, मोबाइल है आपके पास, आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हो, तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, इंटरनेट है आपके पास अवेलेबल, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज में आ जाएंगे। मोबाइल इंटरनेट किस में आ जाएंगे, रिसोर्सेज में आ जाएंगे। आपके पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है, इट्स योर स्ट्रेंथ। किसी के पास तो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो वीकनेस में आ जाएगा। योर एटीट्यूड मैटर्स ए लॉट। आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना व्यवहार ऐसा बना के रखो बिल्कुल मतलब सिंपल स्वीट, और मतलब किसी से भी आप आराम से बात कर सको। क्यों वैसी मतलब अपना बिहेवियर ऐसा रखो कि सामने वाला तुमसे बात करना भी पसंद ना करे, ऐसा बिहेवियर भी नहीं बनाना। बिहेवियर ऐसा बनाओ कि हर कोई यूँ कहे कि यार मुझे यार इनसे दोस्ती करनी, यार ये बंदा बड़ा शानदार है, या ये बंदी बड़ी शानदार है। ऐसा बिहेवियर सेट करो कि हर कोई चाहे कि यार ये मुझे ऐसा बनना है। ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो, यूँ नहीं कि यार आपका कोई गलत एग्जाम्पल दे, कोई नेगेटिव एग्जाम्पल दे, ऐसी इमेज क्रिएट नहीं होनी चाहिए आपकी। इमेज ऐसी क्रिएट करो कि हर कोई कहे कि मुझे तो ऐसा बनना है, ऐसा ही बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इस बंदे के अंदर कुछ गट्स हैं, इस बंदी के अंदर कुछ गट्स हैं, अच्छी चीज़ें। ऐसा भी एटीट्यूड सेट करो। और अच्छा एटीट्यूड होना ही अपने आप में क्या है, स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपका लोग क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे आपका। आपकी हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, हैबिट्स अच्छी करो, कोई भी गंदी हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका मतलब कोई उंगली उठा के कह सके। ये भी अच्छी हैबिट्स होना अपने आप में क्या है, स्ट्रेंथ है आपकी। अच्छी हैबिट्स में आप रेगुलर स्कूल जाते हो, रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, रेगुलर स्टडी कर रहे हो, कंटिन्यूटी है आपकी, किसी से कभी भी गंदा नहीं बोलते, किसी से बैडली बिहेव नहीं करते, महिलाओं के साथ आपका बहुत अच्छा एटीट्यूड है, लड़कियों के साथ आपका बहुत अच्छा एटीट्यूड है, कोई गलत कमेंट पास नहीं करते, ये भी ये अपनी हैबिट, अच्छी हैबिट है। ठीक है, रोजाना सुबह 4 बजे जगते हो, ये भी हैबिट है। डेली आप मतलब कंटिन्यूटी 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, ये भी अपने आप में एक हैबिट है। और एक अच्छी हैबिट डेवलप करनी समझ लो बहुत अच्छा काम हो गया आपका। ठीक है, हैबिट कैसी है, अच्छी हैबिट होना भी अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है।
योर फैमिली पेरेंट्स बहुत बड़ी मतलब स्ट्रेंथ है, आपकी फैमिली आपको पता कितना सपोर्ट करती है, पढ़ने से लेकर हर 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 वक्त तक आपके हमेशा साथ साथ रहती है, जी जान लगा देते हैं। बताओ घर वालों से आप कुछ भी कह दो कि पापा मम्मी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जी जान लगा देंगे, देंगे आप खुद खाएं ना खाएं पर तुम्हें दे रहे हैं। तो ये भी फैमिली भी अपने आप में स्ट्रेंथ है, पेरेंट्स भी अपने आप में क्या है स्ट्रेंथ है ये भी, ठीक है। योर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से बहुत सारी चीज़ें हम मतलब हेल्प करते हैं, क्लासरूम में भी अगर मान लो कई सारी चीज़ें हम टीचर से नहीं पूछ पाते, अगर हमारे फ्रेंड्स अच्छे हैं तो अच्छे फ्रेंड होना भी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो आपको गलत समय पर या मान लो आप परिस्थिति के समय पर हैं तो आपको हेल्प करते हैं, वो आपको सलाह देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छे फ्रेंड, देखो एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स के बारे में, मेरा ये मानना है कि आपकी मान लो 100 फ्रेंड्स हैं, किसी व्यक्ति के 2 फ्रेंड्स हैं और एक व्यक्ति के 200 फ्रेंड्स हैं, मैं कह रहा हूँ एक किसी व्यक्ति के 2 फ्रेंड्स हैं और एक के 200 फ्रेंड्स हैं, ज़रूरत के समय 200 से एक भी काम नहीं आ रहा और यहाँ पर ज़रूरत के समय दोनों काम आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे रखने, अपनी लिस्ट में लाइन लगाना फ्रेंड्स की ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रेंड जो आपके समय पर काम आ जाए। अब जरूरी नहीं है आप भीड़ बढ़ाओ अपनी लाइफ में, ठीक है, आपके मैं ये भी नहीं कह रहा कि सबसे आप अलग रहो, सबसे अपना मतलब बिहेवियर अच्छा रखो, मगर एक अच्छे फ्रेंड होना भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अच्छे फ्रेंड्स होना भी एक अपने आप में ताकत है, वो भी आपकी बहुत सारी हेल्प करते हैं, स्टडी रिलेटेड हेल्प करेंगे, आपको वैसे भी हेल्प करेंगे, आपको मोटिवेट एक दूसरे को मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कम हो पर आपके फ्रेंड्स अच्छे फ्रेंड्स होना ये भी अपने आप में एक प्रकार का मैं तो ये कह रहा हूँ असेट है, संपत्ति है आपकी, ठीक है। यो टीचर्स, अच्छे टीचर्स होना अपनी लाइफ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी चीज़ें अपने माँ बाप से भी नहीं कह पाते, हम अपने टीचर से शेयर कर लेते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर कर लेते हैं, तो बीच बीच में कभी भी जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी। ग्रुप, एक अच्छा ग्रुप होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो इट्स नॉट ए बिग डील। रिसोर्सेज, आपके पास सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ किस में आ जाएंगी, स्ट्रेंथ। तो हमारे पास आपको पता है ये सारी चीज़ें किस में आ गई, स्ट्रेंथ में आ गई। आप हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करते हो ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में स्ट्रेंथ है। तो आपको पता है, यू नो, आपको ऐसे ही लिस्ट करना है, लिस्ट निकालनी है कि मेरे पास क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, मैं रेगुलर पढ़ सकता हूँ, ये आपकी स्ट्रेंथ है। मैं मतलब एक हाँ, नेवर गिव अप, एक एटीट्यूड होता है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड कि मुझे कभी भी हार नहीं माननी, अगर कोई पेपर में नंबर कमा रहे आने दो, डेट्स ओके, दोबारा इंप्रूव करेंगे, नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये भी अपने आप में स्ट्रेंथ है। तो हमारे अंदर आप ऑनेस्ट हो, ये भी आपकी अपने आप में स्ट्रेंथ है, ईमानदार हो आप बहुत ही ज़्यादा, आप मतलब हर काम को टाइम पे करते हो, पंक्चुअल हो आप, ये भी अपने आप स्ट्रेंथ है। तो हमारे अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ होती हैं, ऐसी आपको निकालना है, खोज खोज के आपको लिस्ट बनानी है आपके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ है कौन कौन सी स्ट्रेंथ नहीं है, इन सारी चीज़ों को आपको मतलब निकालना है। और आई एम श्योर हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ मान लो आप सिंगर हो ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप क्रिकेटर क्रिकेट खेलने में अच्छे हो ये भी आपकी स्ट्रेंथ है, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो मैथ में बहुत अच्छे हो ये आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग, जो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दूसरों के अंदर नहीं है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, स्ट्रेंथ में आ जाएंगी। दूसरा है वीकनेस, आपको पहचानना है कि हमारी वीकनेस क्या है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखो दिस इज द मेन पॉइंट, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वीकनेस क्या होती है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूव करके, वीकनेस आर दीज आर द थिंग्स दैट यू माइट नीड टू इम्प्रूव ऑन टू बी कॉम्पिटेटिव। अगर आपको किसी दूसरे से आगे निकलना है, अगर आपको अपने पास्ट से आगे निकलना है, अगर आपको नंबर वन बनना है, अगर आपको कुछ अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, अच्छी कंपनी चलानी है, कुछ भी अच्छा करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस, आपको अपनी कमजोरियों पर काम करना पड़ेगा। देखो ये बहुत ज़्यादा आप, अब मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हर समय काम आएंगी, हर समय काम आने वाली हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि मैं ये जो सारी चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ, फिलहाल मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मेरा यहाँ पे 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लगभग 5.7 ईयर एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एक MNC कंपनी सेंट गोबेन, सर्च कर लेना मोबाइल पर, सेंट गोबेन कंपनी फ्रांस की MNC कंपनी में 5.7 ईयर का एक वर्किंग एक्सपीरियंस है एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है और बाकी बहुत सारी जगहों का घूम के आने का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी जगहों पर मैं रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों को मेरी लाइफ के आधार पर जो भी मैंने सीखा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, हमको कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, तो ठीक है। तो वीकनेस क्या होती है, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, ठीक है, तो कुछ नहीं है इसको, वीकनेस ऐसी चीज़ होती है जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इट्स नॉट ए बिग डील, वी कैन इम्प्रूव अवर वीक, जो भी वीकनेस हमारी वीकनेस को हटा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखो,
दिमाग में स्ट्रोंग, मतलब कई बार तो क्या लोग बाग मेंटली इतने अपने आप को गिरा लेते हैं, अपनी नज़रों में खुद गिर जाते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। अबे यार कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं हो पाएगा तुमसे भाई, तुम्हारे अंदर क्या चीज़ नहीं है। यू कैन डू एवरीथिंग, ध्यान रखना, यू कैन, आप कर सकते हो यार, क्यों नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देना नहीं चाह रहा जो मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं थी वो आज रिचेस्ट पर्सन बने बड़े हैं बहुत सारे लोग, या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे वो आज करोड़पति बने बड़े। तो मतलब पहली चीज़ तो क्या है, यहाँ पर एक मैं चीज़ बताऊँगा, चलो पहले तो वीकनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। आप ध्यान रखना, वीकनेस को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। यू कैन, अगर आप पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करते तो धीरे 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 करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जैसे वीकनेस देखते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज आपको पता है हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ हमारी वीकनेस होती है। जैसे आपने पहले ही दिमाग में सेट कर लिया कि भैया मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, यार क्यों नहीं आएगी समझ में, कोशिश तो करो पढ़ने की, समझने की कोशिश तो करो, ठीक है। तो ये चीज़ें वीकनेस, मैंने बता दी, कोई भी चीज़ हमें कमज़ोर कब कब फील करते हैं, किसी भी चीज़ में वीक कब फील करते हैं, जब चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती। और जिस दिन आपने चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया, आई एम श्योर यू विल एंजॉय, हर चीज़ को आप एंजॉय करोगे। प्रैक्टिकली मैं अगर बताऊं, मैं भी जब आपकी तरह जब छोटा था, क्लास टेंथ की बात करूं, क्लास टेंथ में मुझे SST बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। आई रियली हेट SST, सच में बहुत ज़्यादा नफरत करता था मैं SST से, सोशल साइंस से बिल्कुल पसंद नहीं थी। बट मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन अपनी, UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की, IAS वाली प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो इसके दौरान पर भी ये चीज़ें क्या हमने डिटेल में पढ़ी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी, जीरो मतलब सिक्स क्लास से स्टार्ट करी, 12th तक सारी चीज़ें पढ़ी। तो अब जाके एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार, तब जाके इनके कंसेप्ट क्लियर हुए। और अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अभी परफेक्ट हो गया, अभी भी मैं अपने टारगेट पर चल रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, अभी भी बहुत सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। मैं टीचिंग करा रहा हूँ तो हर दिन कुछ ना कुछ बच्चों से भी सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ सीख रहा हूँ। तो मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस हमारा कब बढ़ता है, सोचो हमारा कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा जब हमारी वीकनेस धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी और हम इंप्रूव करने लगेंगे। सिंपल सी बात है यार, वीकनेस खत्म हो जाएगी तो इंप्रूव आप करोगे, देखना दौड़ोगे आप, रन करोगे, नंबर वन बनोगे, लिख लो इस चीज को। बस एक मन में एक चीज बिठा लो, मैं एक अपने स्टूडेंट को बोलता हूं, अपने मन में एक ऐसी डिजायर लाओ जिसको हम बोलते हैं बर्निंग डिजायर, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर मतलब एक तीव्र इच्छा, एक जलती हुई इच्छा मतलब प्रकट कर लो अपने शरीर के अंदर, अपने अपने दिमाग में एक चीज़ सेट कर लो, बर्निंग डिजायर मतलब कुछ कर गुजरने की मतलब क्षमता, ऐसी कुछ कर गुजरने का मतलब दृढ़ निश्चय कर लो, डिटरमाइन करो मुझे ये चीज़ करनी है, करनी है, करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई हैव टू डू इट। और बर्निंग डिजायर वो होती है जिसके सामने बाकी सब चीज़ पीछे, पहले ये काम करना है। बर्निंग डिजायर का मतलब ये नहीं है कि आज रात को सोच के सो गए कि भाई अब तो मुझे ये करना है और कल से फिर वही अपना डेली रूटीन स्टार्ट, फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उधर उधर पढ़ नहीं रहे। बर्निंग डिजायर वो होती है जो आपको सोने नहीं दे। कलाम साहब कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते बेटा जो सोने पर दिखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। वही चीज़ है, आप सपना सोचो, आप टारगेट लो, अपना गोल डिसाइड करो और मुझे ये करना है तो करना है 100%, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर जाए, पर मैं अपने मतलब हिलने नहीं वाला हूं, ठीक है, मुझे ये चीज़ करके ही छोड़नी है। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है, वीकनेस पे ऐसे इंप्रूव करना है। तो पहली चीज़ सब्जेक्ट वाइज अगर कोई वीकनेस है, जैसे मान लो मैथ के फॉर्मूले भूल जाते हो, मैथ में कहीं दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो से स्टार्ट करो और इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, तुम तीन चीज़ों से इंप्रूव करोगे, प्रैक्टिस 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 और रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इन चीज़ों को ध्यान रखना, प्रैक्टिस और रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। देखो सब्जेक्ट कैसे नहीं बनेगी यार, क्रिकेटर्स नहीं देखेगा आपने कितनी सारी प्रैक्टिस करते हैं, खिलाड़ी नहीं देखे कितनी सारी प्रैक्टिस करते हैं, पहलवान नहीं देखे कितनी सारी प्रैक्टिस करते हैं, वाई वी कैन नॉट, हमें भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यूँ थोड़ी एक बार चीज़ पढ़ ली तो दिमाग में सेट हो जाएगी, योर माइंड नीड टू बी ट्रेन अगेन एंड अगेन, तो बार बार पढ़ो, देखो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा। ये रामबाण है आपको, मैं रामबाण दे रहा हूँ, अगर आपको कुछ सक्सेसफुल होना है, कोई भी काम करो तो उसमें सबसे ज़्यादा चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक बार दो बार तीन बार चार, मैं कह रहा हूँ कम से कम 15 बार रिवीजन करो, 15 times, हमेशा टारगेट बढ़ा लेके चलो, करो फिर देखो, फिर आपका पूरा पूरा ध्यान कहाँ पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा, पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेटेड हो जाएगा पूरा की पूरा ध्यान, अगर आपने एक बार गोल डिसाइड कर लिया तो। प्रैक्टिस करो, टाइम टेबल बनाओ, हम क्या है टाइम टेबल ही नहीं बनाते, वीकनेस सब्जेक्ट में वीकनेस है, सोच लिया यार ये तो बेकार सब्जेक्ट है, पढ़ूंगा ही नहीं, नहीं पढ़ोगे तो भैया रिजल्ट भी खराब होगा, है क्यों सोच रहे हो। लास्ट ईयर ऐसे ऐसे मैंने 10th के मतलब रिजल्ट देखे थे जिसमें हर सब्जेक्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, SST में डूब गए साहब, क्यों, मेहनत तो करती है, एक बार दिमाग में सेट कर लिया, मेंटली ताला लगा लिया दिमाग में, ये चीज़ हार्ड है अब तो पढ़नी नहीं है, अबे हार्ड है तो कोशिश तो करो, हार्ड तो क्रैक हो जाएगी आसानी से, हैं तुम कोशिश तो करो, एटलीस्ट ट्राई,
क्या जा रहा है ट्राई करने में, ट्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड ट्राई, बार बार ट्राई, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, फिर देखो हल नहीं निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोई बात नहीं, तो टाइम टेबल नहीं बनाते, ये बहुत बड़ी वीकनेस है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा आज की डेट में बिगाड़ रहा है हमें, सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर रहा है, समय कंज्यूम हो रहा है आपका, समय तो यहीं जा रहा है, पढ़ोगे कहाँ से आप हैं? फेसबुक चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, मैसेज भेज रहे हो हैं, कमेंट कर रहे हो, तो सब सारा सारा दिमाग तो यहाँ पर आपका डाइवर्ट हो रहा है। नंबर कहाँ से आएंगे अच्छे आपके, कहाँ से आपका मतलब गोल अचीव करोगे? तो सोशल मीडिया को कोशिश करो कंट्रोल्ड वे में यूज करो, कंट्रोल्ड हो सके तो, जब तक अपना गोल ना सेट हो जाए छोड़ दो भैया, नो नीड, ये इंपॉर्टेंट है। बर्निंग डिजायर क्या कहती है, आपका गोल इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करो, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब मुझे पहले कौन सा काम करना है, पहले मुझे फेसबुक चलानी है, पेपर में फेसबुक आएगी या पढ़ना है, क्या आप मुझे अपनी कमजोरियों पे काम करना है, मुझे अपनी कमजोरियों पे काम करना है, ये छोटी मोटी चीज़ें ये मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि नहीं ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे तो कुछ और करना है, हैव टू डू समथिंग एल्स, और ऐसा करना है कि दुनिया याद रखे कि यस इसने ऐसा किया, बाद में चलाओ। और वीकनेस क्या होती है, बहुत कम समय पढ़ते हैं, मैंने बताया था, फिल्म देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अब मूवी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पेपर आने वाले छोड़ दो सब, शादीवादी आजकल शादीवादी स्टार्ट होगी, मैरिज स्टार्ट होगी, और डेली जा रहे हैं दो दो तीन तीन घंटे जाके आ रहे हैं, खा पी के आ रहे हैं, डांस करके आ रहे हैं, पढ़ेंगे कहाँ से भाई, डेली डेली। देखो पढ़ाई में आप ध्यान रखना, अगर आप किसी गोल में लगे हुए तो उसमें कंटिन्यूटी चाहिए, और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, सेक्रीफाइस, वो आप ध्यान रखना। तो मूवी देखना बहुत ज़्यादा, टीवी देखना, क्रिकेट देखना, बहुत सारी टीवी भी देखते मत देखो भैया, वीकनेस है, कमजोरी है हमारी। प्लेइंग मोर गेम्स, बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल में पबजी खेल रहे हो, पता नहीं कौन कौन से गेम आ रहे हैं आजकल, वो गेम वेम खेल रहे हो, ये भी अपने आप में वीकनेस है, हटा दो, क्योंकि ज़िंदगी में आपकी प्रायोरिटी गेम नहीं है, आपकी प्रायोरिटी स्टडी है। आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड ऐसा होता है पढ़ने का मन ही नहीं करता, एटीट्यूड मतलब किसी से सही से बात नहीं करते, और द वे ऑफ टॉकिंग, ये सारी चीज़ें, एटीट्यूड सुधारो, सिंपल बनो, स्वीट बनो, पोलाइट बनो, ऐसा एटीट्यूड बनाओ, ठीक है। रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा एक चीज़ आप बहुत कम होती जा रही है, रेस्पेक्ट, अपने एल्डर्स बड़ों का सम्मान करो, माता पिता का सम्मान करो, ठीक है, और अपने टीचर्स का सम्मान करो, ठीक है, रेस्पेक्ट करोगे तो इन सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। नो टाइम टेबल, टाइम टेबल ही नहीं है हमारे पास, पढ़ना कब है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे नहीं पढ़ना है, कब उठना है, कब सोना है, बस कहाँ से तुम्हारे नंबर आएंगे, टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल ना होना ये भी अपने आप में वीकनेस है। लक, लक पे भरोसा करते हैं, भरोसा भैया, भगवान पे भरोसा, लक पे भरोसा, भगवान आएगा पेपर देने, भैया कर्मवादी बनो आप, कर्म पे, कर्म योगी बनो, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, कर्म करोगे तो नहीं मिलेगा। आपको आपको पी के मूवी आई और देख ली होगी आपने, ये चीज़ वहाँ पर भी क्लियर है, ठीक है। तो भैया भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्म करोगे तो फल मिलेगा, फल जब ही मिलेगा जब कर्म करोगे, और कर्म नहीं करोगे और भगवान की पूजा करते रहो दिन रात, कुछ नहीं मिलने वाला है, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, समझ रहे हो। तो आपको कर्म करना है, भरोसा भाग्य पे नहीं करना, भाग्य कुछ नहीं करेगा, भाग्य लिखने वाले तुम खुद ही हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, आप अपना भाग्य लिखने वाले तुम स्वयं हो, आपकी हेल्प करने वाले भी आप खुद हो, ध्यान रखना। हमारी ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हमारी हेल्प सिर्फ हम ही कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं, लिख लो इस चीज़ को, यू ओनली कैन हेल्प योर सेल्फ, नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, दे कैन ओनली सपोर्ट यू, दे कैन ओनली असिस्ट यू, आपकी हेल्प खुद करनी है आपको, समझ रहे हो। नोट स्टडिंग रेगुलरली, दो दिन पढ़ लिए, एक दिन तो तुम शक्तिमान बन गए, पढ़ लिए 12 घंटे, फिर गई 4-5 दिन की, नहीं भाई साहब ये बहुत बड़ी कमजोरी है। नोट प्रैक्टिसिंग एट होम, घर पर कभी प्रैक्टिस नहीं कर गए, स्कूल में पढ़ के आ गए, कोचिंग में पढ़ के आ गए, मगर घर नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस नहीं की, पेपर से पहले डूबोगे, थिंकिंग मोर रादर देन डूइंग, कुछ करने से बजाय, मतलब हम क्या सोचते होते यार, मुझे ये करूँगा वो करूँगा, इतनी परसेंटेज बनानी है, पर काम कुछ नहीं करते, अबे रिजल्ट आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थिंक तो करना ही करना है, साथ के साथ में काम को करना भी है, सोचने से ज़्यादा लागू ज़्यादा करना है उसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो हमने देख ली, हर किसी व्यक्ति के अंदर अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव थिंग्स होती हैं, हर किसी व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थिंग्स होती हैं। अगर हमको स्ट्रांग बनना है, इफ यू वांट टू बिकम स्ट्रांग पर्सन, देन वी हैव टू रिमूव ऑल दी वीकनेसेस वन बाई वन, एक एक करके सारी वीकनेसेस को हमें हटाना है, ठीक है। बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं, अभी मैंने बताई नहीं है, ठीक है, और भी हैं, आपको अपने आप को पहचानना है। अब ये देखो ये सोट एनालिसिस में आपको पहचानना है, खुद पहचानने में तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी, आपको भी पता लगाना है, मुझे क्या पता आपके अंदर और क्या क्या वीकनेस हो सकती है, आपको अपनी वीकनेस खुद निकालनी है। मैंने तो यहाँ पे कुछ कॉमन वीकनेसेस बताई हैं। अब है अपॉर्चुनिटी, अब देखो ठीक है, अब हम कहते हैं कि यार
चलो अब हमारे पास मतलब अब वीकनेस है और हमारे पास स्ट्रेंथ भी है, अब हम मैं कैसे वीकनेस को दूर करें, अब हमें अपॉर्चुनिटी का भी वेट करना है। एक तो आपको पता है टाइम टेबल बना लोगे तो आपको समय निकालना है भैया, आपको मतलब डेली 8 घंटे कम से कम 6 से 8 घंटे लगातार पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास, स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ध्यान रखना। अपॉर्चुनिटी में ओ जो वर्ड है छोटा का, ये आपको बनाने वाला है रॉक स्टार, ये आपको बनाने वाला है सुपर स्टार, ओ अपॉर्चुनिटी क्या है। तो अपॉर्चुनिटी से देखो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी का अगर आपने सही से इस्तेमाल किया तो आप दूसरों से बेहतर बनेंगे। लिख लो, जैसे होलीडे आया संडे, कोई भी होलीडे आ गया, आप मान लो कोई भी आप स्कूल में छुट्टी चलती रहती है, कभी किसी कोई जयंती आ गई, कभी कोई जयंती आ गई, कभी होली आ गई, कभी दीपावली आ गई, तो भाई साहब उस होलीडे का आपको क्या करना है, समझ लो आपका वो गोल्डन डे आ गया। गोल्डन डे मैं ये कहता हूँ, गोल्डन डे मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, जिस दिन छुट्टी आए आपका पूरा दिन आपका है, आप किंग हो उस दिन, यू आर द किंग ऑफ दैट डे। तो उस दिन आपको सपोज कम से कम नहीं तो 14-15 घंटे पढ़ाई करो, 14-15 आवर पढ़ाई करो। जो जो वीकनेस है, मैथ में कोई वीकनेस है उसको 2 बार करो, 3 बार करो, साइंस में कोई वीकनेस है डायग्राम नहीं बनाए जा रहे उसको 2-3 बार करो, साइंस में अगर कहीं पर न्यूमेरिकल नहीं करने जा रहे करो उसको, डू दैट, रिवाइज करो, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट की क्या मैंने बताई थी, रिवीजन। तो होलीडे आता है, छुट्टियां आती हैं, वैकेशंस आती हैं, फ्री टाइम, जब भी आपको फ्री टाइम मिले कुछ और नहीं करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, और लोग बाग तुमसे क्या कहेंगे अगर तुम ऐसा करोगे, अबे ये तो पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगी, अबे पगला रहे हो, क्या कहेंगे लोग, ये भी अपने आप एक वीकनेस है, कहने दो, लोगों का काम है कहना, और तुम स्पेशल नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं मन लगा के, कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कह रहा, आपको इस चीज़ की परवाह नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर्स, यू डू व्हाट यू शुड डू, आपको वही चीज़ करनी है जो आपको करनी चाहिए, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा भाड़ में जाने दो सबको, ठीक है। आपको पढ़ना है, कौन क्या कह रहा क्या नहीं, और ये चीज़ देखो अब क्या है, हॉलीडे आए चाहे वैकेशंस आए, जब भी फ्री टाइम मिले आपको, स्कूल में बहुत सारा फ्री टाइम मिल रहा है, ठीक है, जब भी स्कूल में फ्री टाइम मिले, कोई टीचर भी नहीं आए या कहीं भी आपको फ्री टाइम मिले, उस टाइम को यूटिलाइज करो, आपके फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ क्वेश्चंस निकालो, कुछ टॉपिक डिस्कस करो, चीज़ों को निकालो। देखो ये चीज़ है थोड़ी डिफिकल्ट है, अगर आपने अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ली, अपना ली, तो देखना आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, धीरे 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 करके आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती चली जाएगी, और देखना क्या शाइनिंग आने लगेगी आपके चेहरे पे, चमक जाओगे चमक। फ्रेंड्स को यूटिलाइज करो, ठीक है, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप मान लो जैसे मैंने बताया ना स्कूल टाइम में बहुत सारा टाइम मिलता है, फ्री अपनी टाइम होता है, तब उनसे पूछो, आसपास अगर रहते हैं, ठीक है, तो आसपास मतलब उनसे जाके हेल्प ले लो, कई बार हम टीचर से नहीं ले पाते, ठीक है, स्कूल संडे वाले दिन चले गए, किसी फ्रेंड से हेल्प ले ली कि भाई मुझे ये चीज़ बता दो, मुझे ये चीज़ समझा दो, वहाँ पर डिस्कशन कर लिया, वो भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया है और बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, हमारे फ्रेंड्स ने भी हमें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया है। यूज करो, संडे गोल्डन डे होता है, आज का डे गोल्डन डे, कम से कम जितना लूट सको लूट लो, जितना लूट सके उतना लूट लो, मेरा कहने का मतलब है संडे मेड फॉर रिवीजन एज वेल एज अपनी जो वीकनेस होती हैं उन वीकनेस को ख़त्म करने के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे एक ही दिन तो मिलता है, अब इस दिन को भी तुम पढ़ने में लगा दो, जिंदगी बस, वो सब नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, वी ऑलवेज पॉजिटिव और यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एंड डोंट वेस्ट ए सिंगल मिनट, समझ रहे हो चीज़ें, कुछ चीज़ें ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ आप 100% नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 90% पे जाओ, 99 पे जाओ, ठीक है, आप मतलब 15 घंटे नहीं करते, कम से कम 14 करो, 13 यूज करो, करो तो सही, चलो एक मूवी देख लो संडे को अगर देखनी, नो प्रॉब्लम, बट रेस्ट टाइम वो आपके हाथ में होना चाहिए, कहीं नहीं जाना, अब किसी से फालतू बात करो उससे बढ़िया इतनी देर में तो आपके एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, एक मूवी देख रहे हो नाटक देख रहे हो उतनी देर में तो 2 चैप्टर रिवाइज कर लोगे आप, तो कौन सी ज़्यादा चीज़ बेटर है, तुम्हारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। मैंने बताई थी अपनी डिजायर ले लो, बर्निंग डिजायर, और टारगेट सेट करो बड़ा सा टारगेट, ताकि आपका काम करने का भी ज़्यादा मन करे, जब ज़्यादा टारगेट होता था हम ज़्यादा पढ़ते हैं, तो सोचो किसी दिन कल ही आकर आपका पूरी सब्जेक्ट का टेस्ट है तो आप ज़्यादा पढ़ोगे, एक चैप्टर का टेस्ट है तो कम पढ़ोगे, तो जितना बड़ा टारगेट हमारी बॉडी हमारा माइंड उतना ही ज़्यादा काम करेगा, और ऐसा ट्रेन करो अपने आप को, ऐसे अपने आप की हैबिट डालो, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं थ्रेड्स, अपॉर्चुनिटी हमने देख ली, तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उस अपॉर्चुनिटी को पूरा पूरा फायदा उठाओ, जब भी छुट्टी मिले समझ लो वो आ गया अपॉर्चुनिटी, सोटा में वो आ गया, वो यूज करना है आपको, वो मतलब लूट लो व्हाट आई एम सेइंग लूट लो, संडे को मतलब खा जाओ, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको पूरा भरपूर फायदा उठाओ पढ़ने के लिए और जितनी भी अपनी वीकनेस है आपका, कई कहते हैं सर टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी शिकायत रहती है, भैया टाइम ही टाइम है ये आपके पास, लूटो यूज करो इसको, समझ रहे हो। नेक्स्ट है थ्रेट,
थ्रेट मतलब अब डर क्या है भैया, खतरा क्या है, सोटा में लास्ट में टी आ रहा है थ्रेट थ्रेट। अब देखो अब बहुत सारे लोग डरते बहुत हैं यार, क्यों डर रहे हो? पहला जैसे खतरा रहता है सोटा में, ये भी आपको जैसे खतरा है फेल होने का, फियर ऑफ फेलियर, नंबर कम आने का, टीचर्स डांटेंगे, घर वाले डांटेंगे, कम नंबर आएंगे और लोग क्या कहेंगे हैं? लोग क्या कहेंगे भैया, लोग तो वही कहेंगे जो कहना है। तुम लोग कुछ भी कर लो, कुछ लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। और तुम बस तुम जिंदगी में एक चीज़ ध्यान रखो, इग्नोर करते चले आओ, अगर हर किसी को आप रेस्पोंड करोगे तो उनमें ही फंसे रह जाओगे। लोगों का काम है कहना और तुम्हारा काम है आगे बढ़ना और सुन के उसको इग्नोर कर देना, एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना। लो परसेंटेज, कम परसेंटेज, अबे कम परसेंटेज कैसे रह जाएगी, मेहनत तो करो कैसे रह जाएगी? कर्म, मैंने फिर दोबारा बता रहा हूँ, कर्म करो, कर्म तो करो, मेहनत तो करो, कमजोरियों को तो दूर करो, अपनी गलतियों को तो पहचानो, ठीक है? रूट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है बस समझ तो ले एक बार, मल्टीप्लाई पॉइंट में अगर मल्टीप्लाई दे दिए जान निकल जाती है, 0.32 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, 0.04 बस सीख लो एक बार, एक बार मल्टीप्लाई ढंग से फोकस करके सीखोगे ना किसी चीज़ को, 100% समझ में आ जाएगी। अब टॉपर बनते हैं, टॉपर क्या कहीं से उग रहे हैं क्या, मंगल ग्रह से कूद रहे हैं क्या वो, या उसको उनको अलग से बनाया जा रहा है, वो भी आपकी तरह है, बट उनकी हैबिट्स सीखो। सबसे बड़ी चीज़ में एक चीज़ आपको बताऊंगा, हमें हमेशा दूसरों से सीखना चाहिए, दूसरों से पॉजिटिव चीज़ें सीखनी चाहिए, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा जो गलती कर रहा है उसको मैं करूँगा तभी सीखूँगा, नहीं। स्मार्ट बंदे वही होते हैं, स्मार्ट बंदियाँ वही होती हैं, स्मार्ट लड़के लड़कियाँ वही होते हैं जो दूसरों से सीखते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, वो ज़्यादा लोग स्मार्ट होते हैं, रादर देन कि नहीं भाई मैं ही करूँगा पहले, ठीक है? तो ये थ्रेट्स हो सकते हैं कि पोजीशन डाउन हो जाएगी, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी। अबे समाज कहने की, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने गोल पे ध्यान दो, अपने टारगेट पे ध्यान दो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, जो कर रहे हो उस पे ध्यान दो, समाज वाज की टेंशन मत लो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है? वो करो जो तुम्हारा हर्ट करा है, समाज की मत सुनो भैया, मत सुनो समाज की, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, समाज क्या कहेगी, कौन क्या कहेंगे वो सब। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स ऑलवेज विल सपोर्ट यू, हमेशा आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फ्यूचर पहले टेंथ पे ध्यान दो, ज़्यादा फ्यूचर की बाद में सोचना, ठीक है? तो फ्यूचर कैसा होगा हमारा? अबे फ्यूचर वही होगा जो तुम कर्म कर रहे हो, ऐसा ही फ्यूचर होगा। हमारा फ्यूचर हमारे कर्म डिसाइड करते हैं, हमारा फ्यूचर हमारी सोच डिसाइड करती है, हमारा फ्यूचर हमारे एक्शन से डिसाइड करते हैं, हमारा फ्यूचर हमारी हैबिट्स से डिसाइड करती हैं, समझ रहे हो? तो आपका फ्यूचर मैंने बता दिया क्या डिसाइड करने वाला है। तो ये हमने पढ़ लिया सोटा, सोटा में सारी चीज़ें देख ली हैं, तो मैंने इसको सोट एनालिसिस को नाम दे दिया है सोटा, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा कि सोटा का मतलब क्या है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है, अपनी वीकनेस पहचाननी है, अपॉर्चुनिटी आए तो उसका फ़ायदा उठाना है, और जो थ्रेट्स क्या क्या हैं आपको लिस्ट बनानी है। आप एक लिस्ट बना लो, इस लिस्ट को बना के अपनी दीवार पर चिपका लो, और जब भी कभी भी आपको कोई दिक्कत आए, कभी भी दिक्कत आए, तो उस लेक्चर को दोबारा से देख लेना, या इसको मैं डाल दूंगा, कभी भी देख लेना, और ये चीज़ आप ज़िंदगी में अपनाओ। देखो कुछ भी अगर प्रॉब्लम रह जाए तो हमारी गारंटी है विद इन वन मंथ देखना आपकी मतलब लाइफ में कितने सारे चेंजेज आ रहे हैं, पसरते पसरते आप मन लगा के तन मन से धन से पूरी तरह से इसको मतलब आप फॉलो करोगे, 100% आपको सफलता मिलने वाली है, 100% रिजल्ट आने वाले हैं। इस वाली टेक्निक को बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो आज की डेट में दुनिया में नंबर बने सब इसका इस्तेमाल करते हैं। कंपनी में सारी चीज़ें मतलब की जाती हैं कि स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की वीकनेस क्या है, तो बस अपनी वीकनेस पे इस्तेमाल करो, वीकनेस को कम करते चले आओ। और जितनी ज़्यादा वीकनेस, ऐसे समझो आपके पैर में 100 कांटे लगे हुए हैं, एक पैर में एक भी कांटा नहीं हो, एक पैर में 100 कांटे हैं, बताओ कौन से पैर से चलने में आसानी होगी, जिस पैर में एक भी कांटा नहीं लगा हुआ है, और 100 कांटे लग रहे हैं तो चलना कितना डिफिकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा। सोचो दो ही कांटे, एक कांटा लग रहा हो ठीक है, दिक्कत तो तब भी आती है एक कांटे में, पर चल सकते हो, दो कांटे से भी चल सकते हो, 100-100 कांटे लग रहे हैं, बताओ चलने में कितनी दिक्कत आएगी। तो ऐसी जितनी ज़्यादा वीकनेस होती चली आएंगी, समझ लो वो कांटे बढ़ते जा रहे हैं आपके पैरों में, कांटे बढ़ते जा रहे हैं और आपको चलने में दिक्कत होगी, तो आपको क्या करना है, उन कांटों को धीरे 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 करके एक एक करके निकालना है, और पैर को अपने को कांटा फ्री रखना है, ताकि आप दौड़ सको, आप उड़ सको, समझ रहे हो? तो आपको मतलब अपनी वीकनेस पे ध्यान देना है, कुछ भी वीकनेस है यार सब कुछ ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यू कैन डू इट, समझ गए? तो वीकनेस पे ध्यान देना है, अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा फायदा उठाना है, और ध्यान रख लो कि आपको ध्यान रखना है कि हमारी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है, मेरी सबसे पहला मुझे क्या काम करना चाहिए। फेसबुक मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मूवी देखना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, रिश्तेदारी में जाना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, शादी में जाना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, अच्छी परसेंटेज बनाना, मेरी प्रायोरिटी क्या है, क्लास में टॉप रहना, मेरी प्रायोरिटी क्या है, अच्छा बन के दिखाना, मेरी प्रायोरिटी क्या है, अच्छी हैबिट्स डेवलप करना, मेरी प्रायोरिटी क्या है कि लोग कहें कि है मुझे ऐसा बनना है, ये प्रायोरिटी है मेरी,
लोग आपका एग्जाम्पल दें, ये ऐसी मतलब चीज़ें डेवलप करो अपने अंदर, और ये चीज़ें धीरे 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 करके अपने आप डेवलप हो जाएंगी, देखना मज़ा आएगा आपको, ठीक है। और इस पूरे पूरे मेथड को हमने अब नाम दे दिया सोटा। तो जब भी आपको लगे कि आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, सोटा देखो, इसको चिपका लो अपने मतलब सामने दीवार पर जहाँ भी पढ़ते हो, ठीक है, सोटा सोटा लगाओ अपने आप में और देखो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया सोटा एनालिसिस। अब मैं थोड़े से कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ कि एक अच्छे स्टूडेंट के अंदर जो टॉपर्स होते हैं या अच्छे बच्चे होते हैं या अच्छा पर्सन होता है, एक अच्छे व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक अच्छे टॉपर टॉपर की जो क्वालिटीज होती हैं वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं। कंसिस्टेंटली मतलब बिना रुके लगातार रेगुलरली पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते हैं, ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ लिए और 10 दिन नहीं पढ़े, ठीक है। सिंसियरिटी होती है उनके अंदर, पेशेंस होता है, धैर्य होता है उनके अंदर, चलो ठीक है मार्क्स कम आ रहे हैं तो मार्क्स को इंप्रूव होने का वेट करते हैं, मेहनत करते हैं, कमजोरियों पर ध्यान देते हैं, पेशेंस रखना चाहिए हर चीज़ के लिए, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग, कभी भी मन में नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखते हैं। ध्यान रखो अपने आपके आसपास अगर नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग हैं तो उनको सुधार सकते हो, सुधारो नहीं उनसे दूर रहो, क्योंकि दुनिया में आपको नेगेटिव सलाह देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पॉजिटिव सलाह देने वाले कम मिलेंगे, ठीक है। हर कुछ लोगों तो मतलब उनकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है, दिमाग में सब नेगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं, हर चीज़ के मतलब नेगेटिव सोचते हैं। भाई पॉजिटिव सोचो, बी पॉजिटिव ऑलवेज, जितना ज़्यादा आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा उतनी माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही माइंड अच्छा बेटर काम करेगा। नेगेटिव थॉट्स नहीं लानी है, ऑलवेज क्या रहना है आपको, पॉजिटिव रहना है। एक बार मार्क्स नहीं आए कोई बात नहीं, बी पॉजिटिव, आगे तैयारी करो, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, इग्नोर करो आगे बढ़ो, उस पर सोचो मत, रो मत किसी चीज़ को लेकर। भाई रोने लग जाते हो बड़ी नंबर कम आगे, मैं देखता हूँ लड़कियाँ रोने लग जाती हैं बड़ी जल्दी, बट रोने की क्या जरूरत है भाई, घर वाले क्या कहेंगे, ठीक है अब नंबर कम आ गए तो आगे की तैयारी करो, हो गया जो हो गया, जो हो गया जो हो गया, पास्ट को भूलो, प्रेजेंट पे फोकस करो, ठीक है, फ्यूचर अपने आप ब्राइट हो जाएगा। पास्ट की चीज़ों पे कभी भी रिग्रेट मत करो, पास्ट की चीज़ों से सीखो। पास्ट का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, पास्ट का इस्तेमाल हिस्ट्री हमें सिखाती है, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि पास्ट में जो हुआ है वो फ्यूचर में ना हो, पास्ट में कुछ चीज़ अच्छी हो सकती है तो उनको फ्यूचर में इंप्लीमेंट करो, पास्ट में जो गलत हुआ है उसको फ्यूचर में ना, पास्ट हमें सिखाता है, लर्न फ्रॉम दी पास्ट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स पे काम करो। हार्ड वर्क, टॉपर्स क्या आते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क हो, बर्निंग डिजायर होती है उनके अंदर, तीव्र इच्छा होती है कि मुझे यही करना है करना है करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बाकी ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए बस एक ही चीज़ है पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं। नेवर गिव अप एटीट्यूड, नेवर गिव अप का मतलब कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, कुछ भी हो जाए जब तक टॉपर ना बन जाए, जब तक टारगेट ना आ जाए निकल के, तब तक हमें आगे बढ़ना है, जब तक कुछ हम जो चाहते हैं वो मिल ना जाए, जब तक बन ना जाए, तब तक हमें मतलब लगे रहना है, प्रयास करना है टिल दी लास्ट मोमेंट। स्टे फ्रॉम दी बैड हैबिट्स, दूर रहते हैं गंदी आदतों से। कॉन्फिडेंस उनका हाई रहता है हमेशा, कभी भी लो फील नहीं करते, उनके हमेशा गोल सेट करके रखते हैं, गोल मतलब टारगेट सेट करके रखते हैं कि मुझे आज दिन में क्या क्या करना है, लिख के रखते हैं, 7 दिन में क्या करना है ये लिख के रखते हैं, मंथली क्या करना है ये लिख के रखते हैं, और फिर शाम को ये भी देखते हैं कि मैंने आज जो जो काम मैंने सेट किए थे गोल हुए कि नहीं हुए, उस पर टिक लगा के देखते हैं, ठीक है। हर चीज़ को प्लान करते हैं, बिना प्लानिंग के कोई नहीं करते। संडे को मुझे कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है, पहले ही एक दिन पहले लिख लो, पहले ही लिख लो, फिर देखो संडे को वो चीज़ होगी नहीं हो। आपको लग रहा है मेरी ये मिस्टेक है, कॉपी बना लो भैया, मिस्टेक्स वीकनेस की कॉपी बना लो, उस पर लिख लो कि मेरी ये वीकनेस है, और एक एक करके उन पर काम करना स्टार्ट करो, लिख लो हर चीज़ को, क्योंकि आप कुछ समय बाद क्या है भूल जाओगे, लिख लो हर चीज़ को, ठीक है। और क्या है, पंक्चुअलिटी, सिटिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो लगातार बैठ के पढ़ता है, ध्यान रखना। वो स्टूडेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते जो 5 मिनट पढ़ रहे हैं 10 मिनट घूम रहे हैं इधर उधर, 5 मिनट पढ़ रहे हैं 10 मिनट मोबाइल चला रहे हैं। सिटिंग पावर अच्छी होनी चाहिए और कंसंट्रेशन पावर भी तभी बढ़ेगी, सिटिंग पावर और कंसंट्रेशन पावर। दूर रहो सोशल मीडिया से, दूर रहो मोबाइल से, सबसे बुरी चीज़ है मोबाइल, जब जरूरत पड़े तभी यूज करो, मोबाइल बर्बाद कर रहा है हमें, ठीक है। रिवाइज एवरीथिंग मेनी टाइम्स, हर चीज़ को कम से कम इतनी बार रिवाइज कर लो कि तुम्हें मतलब चीज़ें फिर दिक्कत ही ना आए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करोगे पेपर में आपको उतनी ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को फटाफट रिवाइज करने में, लिखने में। नॉट कंप्लेनिंग फॉर स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों के लिए शिकायत नहीं करते। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए शिकायत नहीं करे, ठीक है। हम बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए पड़े रहते हैं, मत शिकायत करो, छोटी मोटी समस्या अगर कर सकते हो सॉल्व कर लो, नहीं तो उसके लिए कंप्लेन मत करो। कुछ चीज़ें नहीं हो सकती सही तो उसको ठीक है रहने दो, अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। समय पे काम कंप्लीट करते हैं, फिनिश देयर टास्क ऑन टाइम, टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जो भी टाइम टेबल बनाया उसको मन लगा के फॉलो करते हैं, कोई भी गंदी हैबिट्स नहीं होती है, और किसी भी चीज़ के लिए पश्चाताप नहीं करते, जो हो गया हो गया और वो फिर आगे बढ़ते हैं चीज़ों में, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कैसे मतलब टॉप बनना है, मैं कैसे मतलब सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं कैसे मतलब हमेशा आगे बढ़ता रहूं, मैं कैसे टॉप बन सकता हूं, मैं कैसे अपने गोल को अचीव करूं। तो सबसे पहले आपको भैया टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, हर चीज़ को प्लान करना पड़ेगा, कॉपी बना लो, कॉपी लिख लो उस पर, प्लानर
प्लानर प्लानर, उसमें हर चीज़ को लिखो, उसको की कॉपी को सेपरेट रखो, सेपरेट रखो, सीक्रेट रखो उसको, उसमें हर चीज़ लिखी होनी चाहिए कि मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है, मेरी गलतियाँ क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। कमजोरी आपकी ये भी हो सकती है, मैं बताऊँ एक आज की डेट में मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, कमजोरी ये भी हो सकती है आज की डेट में, आपको पता होगा कि चलो उस पर हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाओ, हर चीज़ को प्लान करो और उस प्लान को फॉलो करो। मैं अगर कोई टाइम टेबल बना रहा हूँ तो मुझे उसको फॉलो करना चाहिए, फॉलो द टाइम टेबल, प्लान को फॉलो करो जो मैंने प्लान बना रखा है, और ऑलवेज पॉजिटिव थिंक करो, सपने हमेशा बड़े रखो, टारगेट हमेशा बड़ा रखो, हार्ड वर्क करो, और सबसे इंपॉर्टेंट डिजायर कैसी होनी चाहिए, मेरी बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, मेरी इच्छा कैसी होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, करना है तो करना है कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ मैं मतलब बाकी चीज़ों को छोड़ सकता हूँ पर इसको नहीं छोड़ सकता, शादी में जाना छोड़ सकता हूँ मगर पढ़ने को नहीं छोड़ सकता, रसगुल्ले छोड़ सकता हूं पर इसको नहीं छोड़ सकता, रिश्तेदार आए तो आने दो भैया, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है और मुझे आगे बढ़ना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। कभी भी कोई चीज में अगर सफलता नहीं मिल रही एक बार में, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, दस बार, बीस बार, पचास बार लगातार करते रहो, देखो फिर सफलता मिलेगी। नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी है, ठीक है। और फाइनली इसको एक लगा लेना कॉपी में, हर कॉपी में लग जानी चाहिए, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड, समझ रहे हो, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य ना मिल जाए, ठीक है। सोना है आपको, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब यूँ कहूँगा जागते रहो भैया, आपको छः से आठ, सात से आठ घंटे डेली सोना है, बाकी इसके बाद आपको सब कुछ अपना डिवोट कर दो, अपने आप को समर्पण कर दो, किसके लिए, पढ़ाई के लिए, देखो आप कितने बड़े व्यक्ति बनने वाले हो, ठीक है। और ये एक चीज़ और है, ये पर्सनली है, सक्सेस कांट बी अचीव विदाउट सेक्रीफाइसिंग, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान। अगर देखो हमें यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक वर्ड, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब है बलिदान। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का बलिदान देना पड़ेगा। अब बलिदान के लिए जान नहीं देनी आपको बलिदान के लिए आपको छोटी छोटी जो स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस है उसको हटाना है, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को हटाना है ताकि हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस मिले, शॉर्ट टर्म पेन, थोड़ा संघर्ष करना है। जैसे मान लो मैं हैप्पीनेस की कैसे कह रहा हूँ, जैसे मान लो हम सोते हैं बहुत ज़्यादा हैं, सर्दियों में रजाई से बाहर नहीं निकलते, रजाई में ही पढ़ना पसंद करते हैं, थोड़ा कष्ट करो, थोड़ा बॉडी को स्ट्रगल करो, ठीक है। और सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, सब घर के मतलब लोग जा रहे हैं शादी में, मत जाओ भैया, तुम सेक्रीफाइस करो उसको, बलिदान कर दो कि नहीं जाना मुझे शादी में, ठीक है। कहीं मतलब टूर पर जा रहे हैं, नहीं जाना मुझे टूर पर, अभी पढ़ना है सबसे पहले, और कोई आ गया बात कर रहे हैं सब लोग घर के, तो करने दो उनको बात, तुम्हारा मन करेगा मैं भी इनके साथ बैठ के बात करूँ, नहीं, सेक्रीफाइस करो। बहुत ही ज़्यादा तुम किसी चीज़ में खेलने में ध्यान दे रहे हो, ठीक, अगर आप बाकी में किसी चीज़ खेल को कुछ खेल में आगे बढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे ध्यान दो, अगर उस खेल में आगे बढ़ना नहीं चाहते तो उतना ही खेलो उसको जितना ज़रूरत है, आधा घंटा, एक घंटे, बाकी पूरा टाइम किसी में ध्यान दो, पढ़ने में ध्यान दो, सेक्रीफाइस करो। नींद ज़्यादा लेते हो, सेक्रीफाइस करो, ठीक है। पढ़ने का मन कम करता है भाई, मूवी देखने का मन करता है, छोड़ो उसको, उसको सेक्रीफाइस करो, फोन चला रहे हैं, फालतू की चीज़ें चला रहे हैं, सेक्रीफाइस करो हर चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आजकल जो मेन प्रॉब्लम है आजकल वो है कि भैया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, कुछ नहीं है, अपनी ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद कर रहे हो, पूरा टाइम यहीं पे जा रहा है आपका, पूरा टाइम यहीं पे जा रहा है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, लड़कियाँ ऐसी हैं, इन सब चीज़ों में व्यस्त हैं, भैया आज की दूर रहो भैया, आज की कर ली तुमने, आज की अभी से कोई उम्र नहीं है, पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ना है, प्यार करना अपनी किताबों से प्यार करो, प्यार करना अपनी हैबिट से प्यार करो, प्यार करना अपने जो काम कर रहे हो उससे प्यार करो, इनसे दूर रहो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा फिलहाल, क्योंकि आजकल हमारी जो समाज है वो इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है, ठीक है, इसमें बढ़ रहे हैं भैया, इनसे थोड़ा दूर रहो। मैं अब ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहूँगा इस मैटर पे, आप सब जानते हो, यहाँ से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि ये चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हमारे पास से दूर करती हैं, ठीक है। आपकी एज है थोड़ी, मतलब फ्लक्चुएशंस आएंगे, अट्रैक्शन होगा, दैट्स ओके, नॉट ए बिग डील, ये सब होता है कॉमन है, बट आपको इसकी गहराई में मत जाओ प्लीज़, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तो फाइनली फॉलो योर पैशन, अपने जोश को फॉलो करो, अपने कर्म में भरोसा रखो, और फिर आपको देखना जो चीज़ आपने सोच रखा है वो अपने आप आपके पास आ जाएगी। अपना पैशन फॉलो करो, कर्म में फॉलो करो, रेगुलर टीम फॉलो करो, वो चीज़ जो तुम डिजायर कर रहे हो, जो सपने तुमने सोच रखे हैं वो अपने आप आ जाएंगे। और जो मैंने ये बताया सोटा सोटा एनालिसिस, इसको पेस्ट कर लो अपने दीवार पर, अपने रूम की दीवार पर। सो फाइनली थैंक यू सो मच। फिर भी आपको कोई भी कभी भी कैसी भी समस्या हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी, एंड बस यही कहना चाहूँगा, जो चीज़ बताइए इनको मन लगा के, दिल लगा के,
फॉलो करो इनको, देखो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और मुझे बड़ी खुशी मिलेगी अगर आपका रिजल्ट इम्प्रूव होगा। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो बस अगर मुझे अगर मन लगा के फॉलो ही कर रहे हो तो इन चीज़ों को जो चीज़ मैंने बताई है ईमानदारी से फॉलो करना, देखना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट होने वाले हैं। और इन चीज़ों को दूसरों को भी बताओ, अगर आप दूसरों को भी सुधार सकते हो कोशिश करो, इससे हैप्पीनेस मिलती है हमें, रियल हैप्पीनेस मिलती है। सुधारो समाज को, नेगेटिविटी अपने आप से अपने आसपास से हटाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।